अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। समा है सर्दियों का, धुंध पड़ रही है लाहौर में, और दिल कर रहा है कि कुछ बारबेक्यू सा हो जाए, कुछ सूप सा हो जाए, या कुछ यू नो चाइनीज़ या पैन एशियन हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे ये फीडबैक दे रहे थे कि आपने अभी तक थाई या चाइनीज़ नहीं सिखाया, और लोगों को वो खाना बहुत पसंद है, बनाना भी बहुत पसंद है। बहुत अच्छे अच्छे किस्म के रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। एक ज़माना था जब खाना मुश्किल होता था कि मिलता नहीं था एक ऑथेंटिक टेस्ट। मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी रेसिपी कर पाई जाए जिसके इन्ग्रीडियंट्स हमें लेने ना पड़े ज़्यादा, और ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली भी हो जाए, और साथ साथ लोगों को इसका पता भी हो, खाने भी मज़े का लगता हो, और बनाना भी आसान हो। मैंने सोचा कि आज करते हैं एक थाई रेसिपी। वैसे तो इसी रेसिपी का वर्जन एक इंडोनेशियन भी है, लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बट आज हम करेंगे थाई वर्जन। वो है चिकन साते, थाई चिकन साते विथ स्पाइसी पीनट। तो इसके साथ बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार थाई क्यूकम्बर रैलिश। इसके अलग से ड्रेसिंग बनाएंगे, वो एक थाई सैलड हो जाएगी, और इसको सर्व करेंगे खूबसूरत से प्लेटर के साथ। स्टार्ट करते हैं चिकन की मैरिनेशन के साथ। यहाँ मेरे पास मौजूद है बोनलेस चिकन क्यूब। आप देख सकते हैं कि ये क्यूब्स में मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं ये क्यूब कट में, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। 1 टेबलस्पून ऑयल, चाहे तो सनफ्लावर कोई भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल। अब ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अबाउट 2 टीस्पून। 2 टेबलस्पून योगर्ट। ये चिकन की ऐसी मैरिनेशन है जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, और ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1/2 टीस्पून करी पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन साथे बीफ के अंदर भी बनता है, सेम मैरिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। छोटे छोटे बीफ के क्यूब्स ले लीजिए और उसको ऐड कर दें मैरिनेशन में। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। चिकन को करेंगे 30 मिनट्स के लिए रख दीजिए। चिकन साते बनता है शाश्लिक स्टेक्स, है जिनको स्क्यूअर्स कहते हैं। इसको पानी के अंदर डिप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, फॉर अबाउट 20 मिनट्स। चलें अब बनाते हैं स्पाइसी पीनट सॉस। इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 कप कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क ना हो तो आप रेगुलर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट बटर, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पीनट बटर चंकी। पीनट बटर दो तरह का आता है, एक आता है जिसके अंदर पीनट्स भी होते हैं, उसे क्रंची कहते हैं। मेरे पास भी यहाँ पर क्रंची पीनट बटर मौजूद है, और दूसरा आता है स्मूथ। अगर आपके पास स्मूथ हो तो आप बेशक स्मूथ को भी इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हनी। हनी बहुत अच्छा इसके अंदर बैलेंस देता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सोय सॉस, 1 टीस्पून विनेगर। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। शुरू में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि पीनट बटर थोड़ा सा हार्ड होता है, पर देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आया है और एकदम मिक्स हो गया। अगर फिर भी मिक्स करते करते आपको लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर औकात पीनट बटर हमारी रेफ्रिजरेटर में मिला जाता है, इसको 20-30 सेकेंड्स के लिए आप माइक्रोवेव कर लीजिए।
लेकिन ध्यान रहे कि पीनट बटर के अंदर से उसका ऑयल निकल आना शुरू कर दिया। ये सॉस भी हो गई है तैयार। ये बहुत ही वर्सेटाइल सॉस है, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ता के साथ वेरी गुड सॉस, और ये बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में रहती है जिसे हम कहते हैं डिपिंग कंसिस्टेंसी। अच्छे समय इसको भी रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब हम बनाएंगे थाई क्यूकम्बर रिलिश। बहुत ईजी रेसिपी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और एकदम मज़े की रेलिश बनती है। रेलिश बेसिकली सैलड को भी कहते हैं। कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा थाई क्यूकम्बर सैलड का ट्रेंड चल रहा था, बहुत मज़ेदार, बहुत मिर्चों वाला, और लेमन जूस डाल के विनेगरेट बनाकर उसको वो डालते थे और वो इंतहाई मज़े का बनता था। तो ये रेलिश भी कुछ इसी किस्म की है, वैसे भी खा सकते हैं और चिकन साथे के साथ तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है क्यूकम्बर्स की। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, छोटे छोटे वेजेस डालेंगे बाउल में इस तरह से। आप चाहें तो हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इस तरह से प्रेजेंटेबल लग रहा था तो मैंने इस तरह से काट लिया। ऐसे शेप में कटे हुए अनियंस का ये बारीक बारीक खूबसूरत कटी हुई स्प्रिंग अनियंस का, कितने खूबसूरत तरीके से ये जूलियन है। हाफ मैं अभी मिक्स कर रही हूँ और हाफ प्रिपेयर करके प्लेट करेंगे तब मैं मिक्स करूँ। क्रश कर लिए और रफली चॉप है, ये भी हम इस सैलड में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बिल्कुल बाद में करेंगे। ब्लैक सेसमी, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा क्यूकम्बर रेलिश भी तैयार है। हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ड्रेसिंग हमारी क्यूकम्बर रेलिश। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टीस्पून गार्लिक मिक्स, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून हनी का, जस्ट टू बैलेंस ऑल द इंग्रेडिएंट्स। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमारी ड्रेसिंग भी प्रिपेयर हो चुकी है, स्पाइसी पीनट सॉस भी, क्यूकम्बर रेलिश भी, और साथ ही चिकन भी मैरिनेट हो चुकी होती है। अच्छा उसको लगाते हैं स्क्यूअर्स में, ड्रेसिंग को रखते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर। हमेशा याद रहे कि जब भी आपने रेलिश के अंदर या क्यूकम्बर सैलड के अंदर किसी भी सैलड के अंदर आपने जब ड्रेसिंग को डालना, आप बिल्कुल उसको एंड टाइम पर डालिए। अदरवाइज जो एसिडिटी है इस ड्रेसिंग के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस, विनेगर, वो सब के सब बहुत एसिडिक हैं तो वेजिटेबल्स को ख़राब करता है। सो बेहतर यही है कि इसको बिल्कुल एंड में हम सर्व करेंगे और ड्रेसिंग भी बिल्कुल तभी ऐड करेंगे। इसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। चिकन बहुत खूबसूरती से मैरिनेट हो चुका है, इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आया है। हमें चाहिए भी थोड़ा सा येलोइश सा कलर था जो करी पाउडर और टर्मरिक ही दे सकती है। दूसरी तरफ मैंने स्क्यूअर्स को पानी से निकाल लिया और इसको अच्छे से पैक वैक कर लिया है। अब हम चेक करेंगे चिकन क्यूब्स स्क्यूअर्स के अंदर। मुझे तो अभी से इसको देख कर ही बोल रखे हैं, इसका अरोमा अभी से इतना मज़े का आ रहा है ना, आप लोग भी बहुत इन्जॉय करोगे इस रेसिपी को। ये देखिए मैंने स्क्यूअर में इसको डाल दिया है और इसको रख देंगे साइड, और इसी तरह से हम बाकी के भी स्क्यूअर्स के अंदर अपने चिकन को थ्रेड कर देंगे। गेस्ट को सर्व करना हो तो ये बेहतरीन डिश है। आप पहले से थ्रेड करके एक दो रात पहले ही इसको फ्रीज भी कर सकते हैं
कि बस झटपट निकाला और गैस के आगे हॉ किया और गैस के आगे ग्रिल करके रख दिया। पीनट सॉस ऑलमोस्ट 1 वीक तक आप स्टोर कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर विनीगर गया हुआ है, सो विनीगर बहुत अच्छा सॉसेस को प्रिजर्व करता है। इसी तरह से आप रेलिश की ड्रेसिंग को भी पहले ही बना के रख सकते हो और जब इसको सर्व करना तो रेलिश की ड्रेसिंग को क्यूकम्बर सैलेड में ऐड किया और कर दिया गैस को सर्व। मुझे इस तरह की रेसिपीज़ बनानी बहुत पसंद है जो क्विक एंड ईजी हो और साथ में आप उसकी प्रेपरेशन पहले ही करके रख सको। मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ इसी तरह से तैयार रहता है सो दैट कभी भी अगर गेस्ट आ जाए तो मेरे पास हमेशा ही कुछ अच्छा सा मौजूद हो। और सेकेंडली जब आप खुद शेफ होते हो तो हर बंदा बहुत एक्सपेक्ट करता है कि पता नहीं इसके घर खाने को क्या क्या मिलेगा। मेरी फैमिली तो एटलीस्ट मुझसे ऐसे ही एक्सपेक्ट करती है और उनको करना भी चाहिए। चिकन ब्रेस्ट जल्दी कुक हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, सो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप थाई पीसेस को ही इस्तेमाल करें। हमारे बहुत अच्छे से बड़े बड़े चंक्स के साथ 5 कीवर की 6 बन चुकी हैं। चलिए हम इसको हॉट पैन पे ग्रिल करते हैं। सो चिकन हो गया है थ्रेड, स्पाइसी पीनट सॉस भी बन चुकी है, थाई क्यूकम्बर रेलिश भी बन चुकी है, उसके साथ साथ इसकी ड्रेसिंग भी बन चुकी है। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। ऐड करेंगे ऑयल, हम ऐड करेंगे आई विश कि आप लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं इसलिए गर्मा गर्म मज़ेदार स्मेल। चले आप मेरे रिएक्शन पे इंजॉय कीजिए। हम डीप फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट। वाह कितना खूबसूरत ब्राउनिंग आई है, इसी को हम देख रहे थे। वेरी नाइस। चिकन ब्रेस्ट हो या चिकन थाई हो उसको जूसी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने पैन को जब गर्म करें तो बहुत सही तपता हुआ गर्म करना और उसके बाद उसको बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर कर दें। चिकन को ऐड कीजिए, आपका चिकन बहुत जूसी बनेगा। खूबसूरत इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आए हैं और कलर भी कितना मज़े का आया है, बहुत जूसी चिकन बना है। अरे हमारा तैयार, इसको कर देंगे प्लेट के अंदर डिश आउट। आई एम रियली हैप्पी कि चिकन टर्न्ड आउट सो वेल। अब हमारा सब कुछ हो चुका है प्रिपेयर, सिर्फ सैलेड के अंदर डालेंगे ड्रेसिंग और सैलेड को कर देंगे अच्छे से टॉस। उसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो सब कुछ हो गया है तैयार, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हमारा थाई क्यूकम्बर रेलिश, साथ ही उसकी मज़ेदार सी लेमनी सी उफ ड्रेसिंग। इधर मौजूद है हमारे स्क्यूअर्स और साथ ही हमारी सॉस। तो सॉस के लिए मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा रामेकन चूज किया है और इसके अंदर डाल देते हैं अपनी सॉस को। के ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी हमारे ये क्रश हुए हुए पीनट्स। जमी सी ड्रेसिंग, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसके ऊपर कितनी खूबसूरत सी शाइन आ गई है। ऑल अबाउट टेक्सचर्स फ्लेवर्स एंड कलर्स,
सो जो भी आप बनाएं उसको पहले इस तरह से देखिए दैट यू वांट टू ईट विद योर आईज फर्स्ट, कि आंखों से देख के लगे उफ क्या बात है. चिकन स्क्यूअर्स. ऐड करेंगे हमारा मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सैलेड. और चिली फ्लेक्स जस्ट टू ऐड कलर एंड अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस. ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से और पीनट्स का. इधर से कटे हुए स्प्रिंग अनियंस. तो मैं दाल नहीं भूल गई, ब्लैक सेसमे जस्ट टू ऐड मोर ब्यूटिफुल कलर. चिकन साथ है विद स्पाइसी पीनट सॉस एंड थाई की कमर रिलिश बिल्कुल तैयार है. मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ. ये देखिए कैसे नहीं, यू वॉन्ट ईट विद योर आईज फर्स्ट. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी फीडबैक से बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.